अर्चना जी, आप जो है नगर पालिका परिषद से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों के साथ आप ये चुनाव लड़ रही हैं? विकास का मुद्दा, मेन मुद्दा विकास का है। फतेहपुर में विकास चाहिए। हम लोग इस समय भ्रमण कर रहे हैं, किसी भी गली में निकल जाते हैं, नालियाँ मेन प्रॉब्लम, गली कितनी गंदी है, उबड़ खाबड़ है मेन प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा गंदगी, सफाई और यहाँ की व्यवस्था और नगर पालिका के अंदर जो मतलब भ्रष्टाचार है थोड़ा बहुत समझ में जो आता है उसका, उसको दूर करना चाहते हैं और फतेहपुर का विकास करना चाहते हैं। कहने को तो ये फतेहपुर शहर है जी, लेकिन कहीं से भी शहर लगता नहीं है, ये कस्बा लग रहा है, तो मुझे इसको शहर बनाना है। कई बार जो है चुनाव हुए, हर बार फतेहपुर की जनता ठगी से महसूस करती है। हाँ। आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि इस बार आपका कार्य बेहतर रहेगा या आपकी जो आपकी सरकार आएगी? हम बस यही सोचते हैं कि बस पहले एक बार हमें पहुंचाइए नगर पालिका, फिर आप देखिए, बात कम, हम आपको काम करके ज़्यादा दिखाएंगे। सीधी तौर पर लड़ाई किससे है आपकी? हमें लड़ाई किसी से नहीं है, किसी पार्टी से हमें लगता है जनता हमें ही चुनेगी, किसी से भी। फतेहपुर की जनता आपको क्यों अध्यक्ष पद चुने? क्योंकि उसे लगता है कि हमको वो चुनेगी तो कुछ विकास दिखेगा। नहीं, आप कैसे बेहतर कैंडिडेट होंगी जो और कैंडिडेट हैं उनके मुकाबले? अब हमको अपने आप पे भरोसा है, हमें लगता है कि नहीं, हम कुछ अच्छा करेंगे। लोग मतलब हमें खुद आगे कह रही है कि नहीं, आप निकलिए और आप पे मुझे भरोसा है। जनता भरोसा कर रही है, जनता का विश्वास, जनता ने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो उस भरोसे पे हम खरा उतरना चाहेंगे। हम और मतलब जितने आए हैं चेयरमैन उनकी तरह धोखा नहीं देना चाहते, विकास करना चाहते हैं और जनता। ठीक है।